मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के घर, मेरी गुरु बहन के घर। आज उसके घर में गुरु महाराज जी का सत्संग है, तो ये आई थी तो मैंने इसे कहा कि तू भी थोड़ा गुरु ज्ञान ले ले। वैसे तो संगत जी ये गुरु जी को बहुत मानती है, बट ये घर वापस जा रहे थे। मैंने कहा ये मौके बार बार नहीं मिलते, दुनिया तरसती है कि गुरु जी के सत्संग में जाने के लिए, और तुझे मौका मिल रहा है और तू जा नहीं रही है। चल सभी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग में जाके वहाँ की जो भी अपडेट्स होंगी आप तक मैं पहुँचाऊँगी संगत जी। और ये कभी मत सोचना कि अनुराधा भूल जाएगी, अनुराधा आपको गुरु महाराज जी के दर्शन भी कराएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी कराते हैं भक्तों को ऐश, वो भी बिना कैश। और गुरु महाराज जी का सत्संग संपूर्ण हो गया है, भंडारा प्रसाद भी हो गया है। तो आज हमारे प्रिंस भाई का बर्थडे है, भाई हैं हमारे, पर इस वक्त हम उनको बोलेंगे अंकल। हमारे प्रिंस अंकल जी का जन्मदिन है, तो उनको लाखों बधाई। और सब खुशी मना रहे हैं, और गुरु जी के जो फेवरेट हमारा सबका ऐश करो वाला भजन है उस पे सब झूम रहे हैं। एक बारी हो, एक बारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर। और संगत जी सच्ची बताऊँ ना, जब तक हम इस धुन पे झूमते नहीं हैं, नाचते नहीं हैं, गाते नहीं हैं, तो हमें आनंद भी नहीं आता। बहुत ही आनंद मिलता है पूरे परिवार सहित जब हम इस गाने पे ऐश करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं और बोलते हैं तेरा ना होवे जमाने बिच जाएश कर, पोए दौलत तेरे खजाने बिच जाएश कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी के कष्टों को दूर करना और हम गुरु परिवार को एक बनाए रखना, कभी इसमें कोई गांठ ना आए। और जाने अनजाने कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत फहमी हो तो उस गलत फहमी को दूर करना, हमारा प्यार बनाए रखना, हमारे संगत को जोड़े रखना। गुरु महाराज जी हमारे पे अपनी कृपा करना, और जाने अनजाने में हमसे अगर कोई गलती होती है गुरु महाराज जी, तो हमें क्षमा करना। हम आपके बच्चे हैं, हम मूर्ख हैं, अनाड़ी हैं, हमसे ना जाने कितनी गलतियां होती होंगी दिन भर में, तो हमारी गलतियों को क्षमा करना दाता। हर पल तेरा शुक्राना दाता, हर पल तेरा शुक्राना, आज भी शुक्राना, कल भी शुक्राना, हर पल शुक्राना जी। बहुत ही आनंद मिला है हमें आज के सत्संग में। अपनी वीडियो में यही पे करती हूं खत्म, और कुछ ही देर में मैं अभी जाके मिलूंगी आपको गुरु दरबार में। तो सब आप मिलके मेरे साथ लगा दीजिए जय जयकारा, जय गुरु जी, और लगा दीजिए जयकारा जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। तो गुरु जी अपनी सेवा का मौका हमें बार बार देना, तो हम सारे सेवादार आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं। आपके चरणों से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जन्नत है आपके चरण, जन्नत। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आपका पाउच जो सॉस थी साथ में उसका पाउच खुला हुआ है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप धन है गुरु जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ से ये सैंडविच भी हल्का, ये सब ना कटा हुआ सैंडविच है ना, शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। संगत जी, तो आज के दर्शन लेके अनुराधा आपके सामने आ गई है, और ये देखिए हमारे शहंशाह जैसे गुरु महाराज कैसे बैठे हुए हैं, और जर्जर बारिश हो रही है इनके सब रूप पे। तो ये देखिए संगत जी, बहुत ही प्यारे दर्शन आज भी हमारे गुरु महाराज दे रहे हैं। और इस चरणों पे तो देखिए आप कितनी जलवर्षा हो रखी है संगत जी, बहुत ही अच्छे अद्भुत दर्शन दे रहे हैं मेरे प्यारे गुरु महाराज। हमेशा से ही देते हैं वो, कभी हमें नाराज़ नहीं करते, अपने बच्चों को हमेशा खुश रखते हैं वो। रोज़ हम इन दर्शनों को देख देख के ऐसे बहुत ही हम मतलब एक अपने आप में एक एहसास होता है कि हमारे प्यारे गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। तो लेकिन कभी कभी गलत भी लगता है कि रोज़ रोज़ हम उनका इम्तिहान लेते हैं, जिस दिन वो दर्शन नहीं देंगे तो क्या वो हमारे साथ नहीं होंगे, तो बुरा लगता है। बिना शक, बिना किसी बहम के अपने सच्चे सरकार, अपने गुरु महाराज से जुड़ के तो देखिए संगत जी सच्चे दिल से, तो देखना वो कैसे कैसे आपकी उंगली थाम कर आपका साथ देते हैं, आपको अपने संग रखते हैं, आप पे अपनी कृपा बरसाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा हर पल हमारे ऐसे ही साथ रहना,
आप अपने बच्चों के सिर पे अपना हाथ रखना संगत जी। और इन्हीं दर्शनों के बाद अब मैं जा रही हूँ अपनी गुरु बहन के घर, जहाँ पे आज उसने सत्संग रखा हुआ है गुरु महाराज जी का। और आज मैं अब बता दूँ, आज उसके हस्बैंड जो प्रिंस भैया, जो प्रिंस अंकल जी हैं हमारे, उनका जन्मदिन है, तो इसी खुशी में उसने गुरु जी का सत्संग रखा है। तो कितना अच्छा लगता है जब ये खुशी के मौके पर भी गुरु महाराज जी का सत्संग हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है पूरे परिवार के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी मैं आपसे भी कह देती हूँ कि कभी आपको भी ज़िंदगी में गुरु महाराज का सत्संग अटेंड करने का मौका मिले तो कभी पीछे मत हटिएगा। बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जो गुरु महाराज का सत्संग अटेंड करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनके जो भंडारे में जो लंगर प्रसाद मिलता है, जिसको खाने से हम लोगों की लाखों बीमारियाँ दूर होती हैं। तो ज़रूर अटेंड करें जब भी कभी मौका मिले। शादी फंक्शन भले ही छोड़ दें, बट गुरु महाराज का सत्संग अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो हम अपनी गुरु बहन के घर पहुंच गए हैं, जो कि बहुत ही बिजी है और उसके बाद बात करने का टाइम भी नहीं है। जय गुरु जी। तो व्यस्त है किचन में, आपको बोल दीजिए जय गुरु जी, शिवाली आंटी। और अभी मैं आपको दरबार दिखाती हूँ, जो कि इतना प्यारा लग रहा है संगत जी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। कितना अच्छा दरबार बना है तेरे घर में गुरु जी, मेरा सही बात है। ये देखिए संगत जी, हमारी दो गुरु बहनों ने कितना सुंदर दरबार सजाया है। और ये देखिए फूलों की रंगोली, कितना सुंदर दरबार महक रहा है फूलों की खुशबू से। वाह वाह गुरुजी, आप तो आज शाह गए हो, आज गुरुड़े लग रहा है आज कोई। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फ्लैक्स एक ही लगी, एक बाहर, अच्छा बाहर लगाई है वो मैंने देखी। जय गुरुजी शीतल आंटी, जय गुरुजी आरती आंटी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो ये देखिए सबरूप संगत जी, कितने प्यारे लग रहे हैं, ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, इन पे चुन्नियाँ है ना। हाँ। कितना अच्छा कलर खिलके आया है। तो गुरु जी वैसे भी हमारे हैं ही बड़े प्यारे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी क्या बोलूँ, टच वुड किसी की नज़र ना लगे आपको। गुरु जी बोलना बेवकूफ़ी है, आप इतने पावरफुल हो, आपको किसी की नज़र नहीं लग सकती। बस हाँ, बच्चे भी कभी कभी नज़र लगा देते हैं गुरु जी, उतार लेते हैं आपकी नज़र। क्या क्या बोलती रहती हूँ मैं, क्या करूँ गुरुजी, लगी इतने प्यारे रहे हैं। वंदना ये चुन्नियाँ कितनी अट्रैक्टिव, बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है गुरुजी पर। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी ये देखिए, एक स्वरूप यहाँ पे लगाया हुआ है गुरु महाराज जी का, पर्पल चोले में गुरुजी बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। हेलो मायरा, जय गुरुजी। सत्संग है आज गुरु महाराज जी का है, तुझे मंत्र जाप आता है, सुना फिर जल्दी से सुना। हमारे गुरु परिवार में संगत जी देखिए कितना प्यार है, छोटे से लेके बड़े सब अपने अपने कामों में व्यस्त है गुरु सेवा में। ये देखिए किसी को भी बात करने की फुर्सत नहीं है आपस में। जय गुरु जी। और हमें बाहर से किसी को लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम सब परिवार खुद ही मिलके सारा काम कर लेते हैं। और खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि जो गुरु महाराज जी हमें सेवा देते हैं। तो ये देखिए कितना क्यूट सा बच्चा भी सेवा कर रहा है, सेवा कर रहे हो आज आप। जय गुरु जी, तो आपने बोला नहीं, क्या नाम है आपका? बंच। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। और कुछ ही देर में अभी हमारा गुरु महाराज जी का सत्संग शुरू हो जाएगा, प्लेलिस्ट हमने सेट कर ली है। और जब तक हमारा सत्संग शुरू होगा तब तक हम गुरु महाराज जी के साथ थोड़ी सेल्फी खिंचवा लेते हैं भाई। निशानी भी जरूरी है, क्यों सही है, पता दरबार की निशानियां रखनी चाहिए कि कब हमारा कैसा दरबार सजा था। तो संगत जी आपको बतला दूं मैं, ये वाली हमारी जो बहन है गुरु बहन, इनके घर में आज सत्संग है। आपको मेरी और मेरी जूटियो फैमिली की तरफ से जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, आपके घर में आए, आपको डेरो ब्लेसिंग्स दे। और ये सारा हमारा गुरु परिवार है, और ये फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं, ये वंदना की मम्मा है, ये वंदना की देवरानी है, और ये हमारे नन्ने मुन्ने क्यूट से बच्चे हैं।
जय गुरु जी बोलो, बोलो जय गुरु जी। और संगत जी, ये हमारे प्यारी क्यूट से आंटी जी हैं, जिन्हें गुरु जी ने हलवा प्रसाद बनाने की ड्यूटी दी हुई है। आंटी जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो किस्मत वालों को ये ड्यूटीज मिलती हैं जो गुरु जी ने हमें दी हुई हैं, तो वी आर ब्लेस्ड। गुरु जी जय गुरु जी। अनुराधा रोज मिलती है आपका डोगरी वाला जो ब्लॉग था ना, बड़ा अच्छा था। डोगरी वाला अच्छा था? हाँ, बड़ा अच्छा था। मेरी डोगरी तो बड़ी गंदी होती है, ऐसे पेंडू सी प्योर डोगरी बोलती हूँ मैं, पेंडू वाली। अच्छी है, चलो जी। अपनी मातृभाषा वो तो है, बट मेरी ना बड़ी टिपिकल डोगरी, बिल्कुल वो है, शुरू से बोली वैसी। हाँ हाँ, डोगरों की शान डोगरी। हाँ संगत जी, गुरुजी के आने का टाइम हो गया है और गुरुजी का किया जा रहा है स्वागत अमृतधारा की वर्षा करके, और साथ ही चल रहा है वेलकम बैंड गुरुजी का, और सारी संगत कतार में खड़ी हो गई है और बिल्कुल शांत सा माहौल है, बिल्कुल चुप्पी सी, बिल्कुल पिन ड्रॉप सा साइलेंट। और गुरुदेव जी की अभी जलाई जाएगी वेलकम बैंड के बाद जोत, और उनकी आरती सॉरी अभी नहीं की जाएगी, आरती बिल्कुल आखिर में की जाएगी, और इसके बाद ही शुरू हो जाएगी प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट बहुत ही मधुर मधुर भजनों की श्रेणी है, जिसे सुन के, जैसे मैं आपको बार बार बताती हूँ कि मंत्रमुग्ध हो जाता है जो भी सुन रहा होता है, गुरुजी के भजन बिल्कुल लिप्त हो जाता है उन भजनों में। और अभी कुछ ही देर में चाय प्रसाद लगाई जाएगी गुरु महाराज जी को, चाय प्रसाद के बाद सारी संगत को भी चाय प्रसाद दी जाएगी, और जब सत्संग संपूर्ण हो जाएगा हमारा तो उसके बाद मिलेगा भंडारा प्रसाद, और भंडारे प्रसाद में होती हैं औषधीय गुण, उससे कई बीमारियाँ रोग बीमारियाँ दूर होती है। संगत जी, अगर आप जहाँ सत्संग में गए हो वहीं बैठ के अगर वो भंडारा प्रसाद का सेवन करते हो तो वो आपके लिए दवाई से कम नहीं है। और इस भंडारे प्रसाद से, मैं आपको बार बार बताती हूँ, कैंसर जैसे रोग दूर किए गए हैं कितने लोगों के पास, अपनी लाइफ के लाइव एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं कि उनको फलानी बीमारी थी और ये प्रसाद ग्रहण करने से उनकी वो बीमारी खत्म हो। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव। संगत जी, तो बहुत ही बड़ा चमत्कार गुरु महाराज जी ने दिखाया है हमें, तो ये अभी हम ये गुरु जी के आगे प्रसाद लगाया हुआ था संगत जी, तो ये देखिए सास का पाउच, जो सॉस थी साथ में उसका पाउच खुला हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप धन है गुरु जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ से ये सैंडविच भी हल्का, ये देखो ना कटा हुआ सैंडविच है ना, मैंने खा लिया ना, मैंने बोला था ना ऐसे। जय गुरु जी, तो ये देखो सॉस का पैकेट फटा हुआ है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी दर्शन कर लीजिए आप भी। जय गुरु जी। और प्रिंस अंकल को बोलूंगी मैं, भैया नहीं बोलूंगी। प्रिंस अंकल को भी ढेरों बधाइयां, गुरु महाराज उनके परिवार में खुशहाली दें, उनके घर में बरकतें डालें, उनका कारोबार दिन ब दिन बधे बधे, अपनी डोगरी भाषा में भाई आ जाती है बीच में, डे बाई डे उनका कारोबार में तरक्की हो, उनके परिवार में खुशहाली हो, जितनी भी जिंदगी में अगर कोई नकारात्मकता है तो वो खत्म हो। पहले तो संगत जी मैं आपको बता दूं, जो गुरु जी को मानते हैं नकारात्मक नाम की कोई चीज़ उनकी लाइफ में रहती नहीं है, गुरु जी पहले ही भगाते हैं ऐसे और फिर ही घर पे एंटर करते हैं। तो संगत जी आज ना हमारे यहाँ अभी हमने भोग लगाया था गुरु जी को, तो उसमें भी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, अंदर भोग लेके गए हैं तो सॉस का पाउच खुला था, सॉस थी जो सॉस रखी थी गुरु जी के प्रसाद में, उसका जो पाउच था वो खुला हुआ था। तो गुरु जी अपने होने का प्रमाण हमें हर पल देते हैं, गुरु जी हैं ही ऐसे, क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं जो उनसे प्रमाण मांगते हैं। जहाँ वो बैठ जाते हैं, जहाँ वो आते हैं, वो साक्षात ही आते हैं, बस हमको होता है कि कोई हल्का सा इशारा दे दे, तो वो इशारे में बता देते हैं कि मैं हर पल यहीं पे हूँ। तो शुक्राना दातिया आपका हर पल हमारा साथ देने के लिए। और संगत जी मैं जो तीन बार बोलूँगी ना, तो आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन 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 गुरु जी, वाह वाह 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्र
शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी, शुकराना दात्या अनंतम शुकराना। अपने चरणों में हमें हाजिरी लगाने के लिए जो आपने हिम्मत बख्शी है, हमें दी है, उसके लिए शुकराना। हमारे कष्ट दूर करने के लिए शुकराना। तो संगत जी प्लीज कोई भी ये भंडारा प्रसाद बिल्कुल भी ना छोड़े। यहाँ खाओगे तो मेडिसिन है, घर लेके जाओगे तो एक आम जो भी इसमें पड़ा है, जो इनके नाम है, कुलचा समोसा या जो भी वो है, यहाँ पे ये मेडिसिन का काम करती है। तो इसीलिए प्लीज इसका एक भी कंजूठा ना छोड़े। और लंगर प्रसाद खाने के बाद भी जाइएगा मत, कुछ है बाकी, सरप्राइज है बाकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी कराते हैं भक्तों को ऐश, वो भी बिना कैश। और गुरु महाराज जी का सत्संग संपूर्ण हो गया है, भंडारा प्रसाद भी हो गया है। तो आज हमारे प्रिंस भाई का बर्थडे है, भाई हैं हमारे, पर इस वक्त हम उनको बोलेंगे अंकल। हमारे प्रिंस अंकल जी का जन्मदिन है, तो उनको लाखों बधाई। और सब खुशी मना रहे हैं, और गुरु जी के जो फेवरेट हमारा सबका ऐश करो वाला भजन है, उस पर सब झूम रहे हैं। एक बारी हो, एक बारी, एक बारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर। और संगत जी सच्ची बताऊँ ना, जब तक हम इस धुन पे झूमते नहीं हैं, नाचते नहीं हैं, गाते नहीं हैं, तो हमें आनंद भी नहीं आता। बहुत ही आनंद मिलता है पूरे परिवार सहित जब हम इस गाने पे ऐश करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं और बोलते हैं, तेरा ना होवे जमाने बिच जा ऐश कर, पोए दौलत तेरे खजाने बिच जा ऐश कर। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सभी के कष्टों को दूर करना और हम गुरु परिवार को एक बनाए रखना, कभी इसमें कोई गांठ ना आए। और जाने अनजाने कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत फहमी हो, तो उस गलत फहमी को दूर करना, हमारा प्यार बनाए रखना, हमारे संगत को जोड़े रखना। गुरु महाराज जी हमारे पे अपनी कृपा करना, और जाने अनजाने में हमसे अगर कोई गलती होती है गुरु महाराज जी, तो हमें क्षमा करना। हम आपके बच्चे हैं, हम मूर्ख हैं, अनाड़ी हैं, हमसे ना जाने कितनी गलतियां होती होंगी दिन भर में, तो हमारी गलतियों को क्षमा करना दाता। हर पल तेरा शुकराना दाता, हर पल तेरा शुकराना, आज भी शुकराना, कल भी शुकराना, हर पल शुकराना जी। बहुत ही आनंद मिला है हमें आज के सत्संग में। अपनी वीडियो में यही पे करती हूं खत्म जी, और लगा दीजिए जयकारा, जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। तो गुरु जी अपनी सेवा का मौका हमें बार बार देना, तो हम सारे सेवादार आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं। आपके चरणों से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जन्नत है आपके चरण, जन्नत। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।